ओके तो आज हम करने वाले हैं ईबीएस का चैप्टर नंबर एक। नाम क्या है चैप्टर का? फूड। बहुत अच्छे। ओके रीडिंग करने में आप कंफर्टेबल हो ना? यस मैम। ठीक है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। When do we need food? We need food when we feel hungry. हंग्री। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। व्हेन डू वी नीड फूड? व्हेन डू वी नीड फूड मतलब हमें फूड की जरूरत पड़ती है कब? ओके हमें फूड की जरूरत पड़ती है जब, और वी नीड फूड व्हेन वी फील हंग्री, जब हमें भूख लगती है। ओके, गुड फूड इज ए बेसिक नीड फॉर ह्यूमंस, मतलब ये जो फूड है ना, ये बेसिक नीड है इंसानों के लिए, इंसानों की बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी। वी कैन नॉट लाइव विदाउट फूड, हम खाने के बिना जी नहीं पाएंगे। नहीं इट सकते। यस हेल्प्स मैम। अस टू ग्रो, जो फूड है वाले का वो इंतजार कर रही हमें कि वो आ जाए तो मैं पेमेंट हेल्प नहीं करती करती है जब हम ग्रो करने में, यानी हमारी हड्डियां मजबूत करती है जाना और तो हम एनर्जी देती है, बाबा हमें बड़ा करती है यस बॉडी। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी देती है खेलने के लिए और काम करने के लिए, गुड़िया को दे जाऊंगी। है ना? यस मैम। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो आप। मैम मैं ही करूं। गुड फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड सूर। मैम ये नहीं आ रहा। सूर वेल फूड बिसाइड आवर ये ब्रेन्स सर्वन सर्वन है, सर्वन। फूड ब्लेंड्स आवर ब्रेन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। मैम हो गया। ओके बहुत अच्छे। अब चलो, अब इसका मतलब मैं बता, जो फूड है वो क्या करता है? भारती, फूड क्या करता है? मैम खाना होता है। यस ये क्या करता है? क्या लिखा है? मेक अस हेल्दी। हेल्दी क्या होता है? मैम खाना अपने सेहत को वो हेल्थ प्रोटेक्ट करता है मैम। ओके, ये सर्वाइवल है, और सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहना, सर्वाइवल। जीवित रहना। यस मैम। ओके, गुड फूड मेक अस हेल्दी, वो हमें हेल्दी बनाता है, जो फूड है वो हमें हेल्दी। हेल्दी बनाता है, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यस स्ट्रॉन्ग मैम। बनाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, उनको भी फूड की जरूरत है फॉर यस ग्रोथ। मैम। एंड ये मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अभी आपको क्या बताया था मैंने? सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल। सर्वाइवल। हाँ, इसका मतलब है जीवित रहना। तो फूड मतलब, फूड क्या है? बिल्ड करता है आवर बोन्स। बोन्स, बोन्स क्या होता है? बोन्स मैम हड्डियां। हड्डियां। एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, एंड मसल स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है जो फूड है वो हमें मतलब बनाता है हमारी बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यस मैम। अब आप ये लेसन पढ़ने के बाद क्या जानोगे? टाइप ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड। ओके, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स यानी क्या होता है? जरूरत, ठीक है, फूड की जरूरत। जरूरत। अब ये सारी चीजें, वेज नॉन वेज, ईटिंग हैबिट, उसके बाद मील, मील यानी खाना होता है, इन ए डे, डे टू डे, मतलब कब खाते हैं हम? एक मॉर्निंग में खाते, एक आफ्टरनून में खाते, एक नाइट में खाते, हमारे तीन टाइप का मील हो गया, ठीक है। यस मैम। गुड ईटिंग हैबिट, गुड ईटिंग हैबिट, उसके बाद रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, और हमारे डाइट में वाटर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो अब हम किसके बारे यस में पढ़ने मैम। वाले हैं? टाइप्स ऑफ फूड। एग्जैक्टली, टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स का मतलब बहुत तरह का,
कौन बहुत तरह का, फूड बहुत तरह के, ठीक है? तो yes, ठीक है, अब आप रीडिंग शुरू करो, जहाँ आप खुलोगे वहां पे मैं आपको। यस मैम, वी एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, देर आर मेनली देर थ्री टाइप्स ऑफ फूड देर हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। वी ईट का मतलब, हाँ, वी का मतलब हम, ईट का मतलब खाना। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम बहुत तरह का खाना खाते हैं। देर आर मेनली थ्री टाइप्स, जो मेन होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अब हम इनके बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं। यस मैम, जो हम खाते हैं ये कौन कौन से हैं, तो चलो अब हम जानते हैं। सबसे पहले है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देता है, जो फूड हमें एनर्जी देता है। फूड्स लाइक चपाती, राइस, दाल, पोटैटोस, घी एंड नोस गिव अस इन एनर्जी, वी नीड दिस एवरी टू वर्क एंड प्ले। फूड लाइक चपाती, मतलब फूड मतलब खाना। यस मैम, रोटी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया, पोटैटो यानी आलू, घी, नट्स क्या होते हैं? यस, और नट्स बोला जाता है बादाम वगैरह को, काजू को, ये जो है इनको क्या बोलते हैं? इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नट्स। ओके, नट्स, ओके मैम। हमें देते हैं एनर्जी। अब कहते हैं एनर्जी, तुम खाओ तुम्हारा दिमाग खुलेगा। यस मैम, नट्स से सबसे हमें एनर्जी मिलती है। वी नीड दिस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये एनर्जी की हमें जरूरत है। यस मैम, काम करने के लिए, खेलने के लिए। तो देखो यहाँ पर जैसे कि राइस है, घी है, ऐसे यहाँ वेजिटेबल्स है, पोटैटोज है, तो वैसे यहाँ पे बता रखा है कि हमें एनर्जी इन सब चीजों से मिलती है, ठीक है? यस मैम, वेरी गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है नेक्स्ट? हमारा बॉडी फूड लूटिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हम बॉडी बिल्डिंग। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कई लोग बॉडी बिल्डिंग है ना? यस मैम, यस। चलिए चलो, इसको कलर नहीं मिल रहा, वो लाइट कलर है ना। फ्रूट्स लाइक मिल्क, एग्स, फिश, चेस एंड मैक हेल्प अस टू ग्राउंड द मैक्स वी बैंस एंड muscles strong. हो गया मैम। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, अरे मेरी, मैं इतनी देर से समझा रही थी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आई है। गुड आफ्टरनून मैम। फूड जैसे कि मिल्क, एग, फिश, अरे दादी, नीड हेल्प अस टू ग्रो, दे मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग। लाइक देखो, जो फूड होते हैं जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मच्छी हो गई, चीज हो गया, ऐसी मीट यानी नॉन वेज हो गया, और हेल्प करते हैं किस चीज में? ग्रो करने में। क्या ग्रो करने में? यहाँ क्वेश्चन आता है क्या ग्रो करने, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है? यहाँ मसल्स की बात हो रही है, मसल्स, बोन। जैसे अब तुमने बॉडी बिल्डिंग की अगर यहाँ तुमने वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे, तो उसमें खाते हैं कि इनके इतने बड़े बड़े मसल्स है और ये बॉडी बिल्डिंग जीते हैं, है ना?
यस मैम. हाँ तो इसमें मतलब इसमें फिर इन्होंने बताया है कि इसमें हमें किस चीज की जरूरत होती है, एग की होती है, फिश इन सब की होती है. ठीक है. यस मैम. तो अभी हमने मतलब एक टॉपिक कवर कर लिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. ओके अब ये देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर दूध है, बटर है, अंडा है, फिश है, नॉन वेज है ना. यस मैम. यस यस मैम. अब हमारा यहाँ पर है प्रो, यहाँ पर क्या है भारती, रीड करो उसे. प्रोटीन फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फ्रूट्स. फूड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप अस हेल्दी. फ्रूट लिस्ट गिव अस विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स दैट protect us from feeling ill and keep us fit. अब ये जो प्रो ये जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं कौन से होते हैं, फूड लाइक वेजिटेबल्स, लाइक सब्जियां. वेजिटेबल्स में सारी सब्जियां आती हैं. ठीक है. ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये सब्जी नहीं है सॉरी. तो ये और फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स ये है, ये है, ये हर जितनी चीजें हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स है. ये क्या करती है, हमें हेल्दी रखती है. ऑलवेज ऑलवेज हमें हेल्दी रखती है. जो फ्रूट है वो हमें क्या देती है, विटामिन क्या होता है और मिनरल्स क्या होता है. ठीक है. ये जब आप आगे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा. लेकिन विटामिन ए बी सी डी ई और के ऐसे होते हैं. ठीक है. इनमें बताया होता है हड्डियों के लिए भी होता है, आपके मसल्स के लिए, ऐसा कुछ ये सारा बता रखे होते. ठीक है. तो ये करता है, ये दे प्रोटेक्ट, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन सारी चीजों से और फिट रखते हैं हमें, मतलब हमें बीमार करते हैं और सारी चीजों से हमें फिट रखते हैं. आई थिंक अलाउड मतलब नेम एनी टू थिंग दैट आर मेड फ्रॉम वेट. ईट यानी होता है गेहूं. ठीक है. तो yes, यहाँ नेम एनी टू थिंग मतलब दो गेहूं के नाम बताने हैं आपको. तो नीचे क्या पूछ रखा है, नेम एनी टू थिंग दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क, जहां से हमें मिल्क मिलता है, जिससे हमें मिल्क मिलता है, उनके दो नाम. ठीक है. यस मैम. यस मैम. अब देखो नीचे भी मैं फ्रूट्स वगैरह के बारे में ही बता रखा है. दोनों तो रीड करो. यस मैम. Food can be eaten both raw and cooked. All fruits and some vegetables can be eaten raw. Pulses, rice, wheat, meat, fish, egg, etc. are some foods that have to be cooked before eating. Cooked food is soft and easy digest. तो इसमें बता रखा है food can be eaten, हम जो खाना खाते हैं both, वो दोनों तरह का होता है, जिसे हम पका के भी खाते हैं, जिन्हें हम कच्चे भी खाते हैं. All the food and some vegetable can be eaten raw. मतलब जो कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, इनको हम कच्चा भी खाते हैं, है ना? Pulse क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am, क्या चीज? पल्स पता नहीं. पल्स होता है दाल. क्या होता है? दाल. और पल्स के बाद है राइस. राइस यानी आप लोगों को पता है, ये चावल. चावल. मीट क्या होता है, मैंने क्या बताया था? मीट. गेहूं. और मीट यानी और फिर एग, ये नॉन वेज. मतलब yes, क्या मतलब मीट का, किसी भी चीज का मीट हो सकता है, फिश हो सकती है, फिश जो नदी में तैरती है, एग यानी अंडा. एक्सेट्रा का मतलब होता है ऐसी ही और भी सारी चीजें. आर सेम फूड मतलब इनको हमें कुक करना पड़ता है खाने से पहले, है ना? जैसे दाल yes, हो गए, चावल हो गए, ये सब चीजें हो गए, या नॉनवेज चीजें हो गई, ये सारे हमें खाने से पहले कुक करनी पड़ती है ना.
यस मैम, यस मैम। कुक फूड इज सॉफ्ट, मतलब जो कुक जो हमें खाना बनाना होता है बहुत सॉफ्ट, मतलब खाने के मतलब जब हम बना लेते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ये इजी होता है। किस चीज के लिए इजी होता है? डाइजेस्ट, डाइजेस्ट के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी होता है। देखो कच्चा जैसे कि हम लोग ये खाते हैं फ्रूट वगैरह, ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देगा, फूड डेट कैन बी ईटन, मतलब ये हम खा सकते हैं बिना पकाए और ये हम खाते हैं पका के, है ना? Yes, ma'am. अच्छा अब हमारा कौन सा टॉपिक है? सोर्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब जरूरत ऑफ फूड, खाने की जरूरत। Yes, ma'am. ठीक है भारती रीड करो। भारती? यस मैम। क्या रीड दिस? मैम आपकी आवाज कट रही है। अब ठीक आ रही है, रीड करो इसे। हेलो हमें आवाज आ रही है? हेलो मैम आपकी आवाज सही आ रही है। चलो ठीक है भारती आप एक बार लिंक होके दोबारा से ज्वाइन हो जाओ। सोनम आप रीड करो तब तक। यस मैम, देयर आर टू मेन। भारती आप रिमूव होके ना दोबारा से ज्वाइन हो जाओ। सोनम आप कंटिन्यू करो। हेलो ओके मैम, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नी गेट राइस, वीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स आल्सो गिव अस स्पाइसेस, नट्स एंड ऑयल्स। फार्मर्स ग्रो देम ऑन फार्म्स। ओके सोनम दोबारा से रीड करो। यस मैम, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नी गेट राइस, वीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स आल्सो गिवन गिव अस पीसेस, नट्स एंड ऑयल्स। फार्मर्स ग्रो देम ऑन फार्म्स। ओके, देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड, दो दो मतलब मेन है हमारे जरूरत खाने के। एक है प्लांट, पेड़ पौधे जिनसे टोमेटो वगैरह मिलता है, तो दूसरे है एनिमल्स। वी गेट राइस, जो राइस है, वीट है, पल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, प्लांट, ये सारा किससे मिलता है? ये सारे मिलते हैं प्लांट से। ओके, प्लांट ऑल्सो गिव अस, मतलब प्लांट्स हमें और भी चीजें देती है, नट्स, नट्स मैंने आप सभी को बताए थे, बादाम। एंड ऑयल, जैसे उन्होंने सरसों उगाए तो हम उससे ऑयल उगा सकते हैं, कोकोनट उगाया तो उससे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ऐसे। और जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करते हैं देम ऑन फार्म, वो फार्म में ग्रो करते हैं। अब फार्म क्या होता है? मुर्गी फार्म, नाम सुना? यस मैम। अब यहाँ तो हमें बता रखा था प्योर वेज, अब यहाँ पे मैं प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। मैम मेरा एक डाउट है, नट्स तो मूंगफली को बोलते हैं, एलमंड होता है, दाम बादाम। नट्स मूंगफली को भी बोलते हैं और ये जो काजू है, बादाम है, इसको भी बोलते हैं। अच्छा मैम। ओके, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है फूड लाइक पिज्जा, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे ही, दैट वी फाइंड वेरी टेस्टी, ये बहुत टेस्टी होते हैं, कैन हर्ट आवर बॉडी, दीज आर नो एज जंक फूड, लेकिन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं बिकॉज दिस इज जंक फूड, ये जंक फूड होते हैं इसीलिए। अब यहाँ प्लांट प्रोडक्ट है, यहाँ एनिमल प्रोडक्ट है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में, पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। सोनम रीड दिस। यस मैम, वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स। हैन एंड डक गिव अस एग्स, शीप गॉट हैन एंड फिश गिव अस मीट।
तो वी गेट मिल्क, हमें मिलता, हम दूध लेते हैं, अंडे लेते हैं, मीट लेते हैं, फिश लेते हैं, एनिमल से. जो मिल्क है वो कहाँ से आता है? वो आता है काओ से, बिफेलो से, यानी काओ जो व्हाइट कलर की गायें होती हैं, बिफेलो यानी जो भैंस होता है, और गोट, गोट यानी बकरियां जो होती हैं. तो हैन, हैन जो हैन है, एंड जो डक है उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलते हैं अंडे. और जो शीप है, गोट है, देन इट फिश गिव अस मीट, इन सबसे हमें मिलता है मीट. ठीक है? यस मैम. अब हमारा यहाँ पर आ गया वेज एंड नॉन वेज. तो वेज और नॉन वेज का ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक करने के बाद हम अपना क्लास एंड करेंगे. ठीक है? ओके मैम. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है. ओके यहाँ से रीड करो. पीपल वाओ, पीपल टू एट हु यानी कौन, हु Who add only vegetables, fruits, crowns and plants are vegetables. मैम नहीं आ रहा, सॉरी मैम. कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रीड किया आपने फिर भी. सोनम आप ये रीड करो. Yes मैम. People who also eat meat, fish and eggs are called non-vegetarians. हाँ, मैंने यहाँ से रीड करने के लिए कहा था आपको. मैंने यहीं से तो किया. ओके ठीक है. तो सबसे पहले था कि जो 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 लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जो सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं, सिर्फ पर्ल्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, मतलब सिर्फ प्लांट वाले प्रोडक्ट खाते हैं, और जो घास वूस मतलब जो धरती देती है, जैसे कि उसने गाजर दे दिया, ये सब, तो इसको इनको हम कहते हैं वेजिटेरियन, जो प्योर ये खाते हैं. People who also eat meat, fish, egg are called non-veg. जो non-veg, जो मतलब meat वगैरह खाते हैं, इनको हम बोलते हैं non-veg. Okay? Okay ma'am. Good. तो ये वाली क्लास हम करते हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे. ठीक है? Bye bye all. कोई homework नहीं है? Homework नहीं है, लेकिन video देख के बाकी सारा revise कर लेना. Bye. Okay bye ma'am. Bye bye. Okay, तो हमने अभी अभी किया था वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. यहाँ तक आपको समझ में आया था? यस मैम. अब यहाँ हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? मील्स इन ए डे. मील्स यानी खाना ही होता है हमारे, मतलब दिन में हम कितनी बार खाते हैं और कितनी बार खाना चाहिए, ये इसके बारे में बता रहा है. yes, okay, रीड करो यहाँ तक. मैम मुझे ही करना है? यस यस. ओके मैम. वी जनरली हैव थ्री मील्स इन अ डे. हाँ, वी जनरली हैव थ्री मील्स इन ए डे, मतलब जो मेन है हमारे दिन में, हमें तीन बार मेन खाना चाहिए. वो क्या है? वो ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है. अब yes. इसमें क्या है? सो हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट की. तो ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. जो ब्रेकफास्ट है वो फर्स्ट मील ऑफ द डे, मतलब डे का फर्स्ट डे है. और उसके बाद वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं? हम ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में. मॉर्निंग में टेक मिल्क और टी, बटर, ब्रेड, एग, जूस, ऐसे ही और भी चाहे और भी चीजें, एक्सेट्रा का मतलब और भी चीजें, इन द मॉर्निंग. हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, पहला. दूसरा वी मतलब ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मतलब वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट हम करते हैं मॉर्निंग में. वी टेक हम लेते हैं क्या ब्रेकफास्ट में? दूध, चाय, बटर, ब्रेड, एग, जूस, ये सारी चीजें मॉर्निंग में. सेकंड हम बात करेंगे लंच के बारे में. तो लंच इज द सेकंड मील ऑफ द डे. वी टेक लंच इन द आफ्टरनून. वी ईट राइस, चपाती, कर्ड, वेजिटेबल एंड पर्ल्स एंड इन द आफ्टरनून. तो क्या है लंच? दो है
हमारा वो सेकेंड मील है ऑफ द डे का, मतलब दूसरी बार हम खाना खाते हैं। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, हम जो लंच है वो आफ्टरनून में करते हैं, मतलब दोपहर में। वी ईट चपातीज, कर्ट, कर्ट क्या होता है भारती? कर्ट मैम, मैम मैं बताओ, बताओ भारती कर्ट क्या होता है? मैम नो आइडिया। कर्ट मींस दही, ठीक है? ओके मैम। राइस मतलब चावल, चपातीज मतलब रोटी, कर्ट मतलब दही, और इसका वेजिटेबल एंड पर्ल्स, पर्ल्स क्या होता है? दाल वगैरह, ठीक है? दाल वगैरह, ओके मैम। ओके, डिनर, डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे, वी टेक डिनर एट नाइट, जो डिनर है वो हमारा लास्ट खाना है पूरे दिन का। वी टेक डिनर एट नाइट, हम डिनर कब करते हैं? रात में। तो अब हम चलते हैं सेकंड पे। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो अब देखो यहाँ पर बता रखा है कि इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग में होता है, इसको बोलते हैं लंच जो आफ्टरनून में होता है, इसको बोलते हैं डिनर जो नाइट में होता है। तो ब्रेकफास्ट में आप चाहे दूध, ब्रेड, चाय या फिर ये सब ले सकते हो, और लंच में आपको चपाती, रोटी, सब्जी, दाल ये सब खाना चाहिए, और डिनर में आपको वही खाना चाहिए जो घर पे बनता है, लेकिन खाना मतलब रोटी, दाल, सब्जी ये सब। ओके, यस मैम। गुड ईटिंग हैबिट, गुड ईटिंग हैबिट, तो इसमें क्या है? वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, मतलब अपने हाथ धो खाने से पहले और खाने के बाद। ऑलवेज क्लीन एंड फ्रेश फूड, क्या हमें हमेशा साफ और फ्रेश फूड खाने चाहिए? ओके, न्यूट्रिएंट फूड, न्यूट्रिएंट फूड क्या होते हैं? जो हमें जैसे कि कोई फ्रूट है या कोई फूड है जो जैसे हमारा फैट बढ़ाता है बट वो हमें एनर्जी भी देता है। चपाती है, चपाती हमें एनर्जी देता है, जूस हमें एनर्जी देता है, जैसे लिक्विड पन जो हमारे बॉडी में अगर लिक्विड की कमी होती है तो वो क्वांटिटी पूरी करता है, ठीक है? तो ऐसे जितने भी अलग अलग इन सबके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन से अलग अलग फायदे हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स फूड खाने चाहिए, ठीक है? टेक योर मील एट फिक्स टाइम, आप जो खाना खाते हो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। जैसे आपको ब्रेकफास्ट 9 बजे करना है और आपको आपको दोपहर का खाना 2 बजे करना है, ऐसे ही आपका रात का खाना 10 बजे या 9 बजे करना है। वैसे तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो घर पे हैं स्टूडेंट्स, उनका 8 या 9 ये लास्ट है, उनसे ज्यादा उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी नींद सही से फिर पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है? यस मैम। तो आप सब अपना सबसे पहले क्या है, खाने से पहले अपने हाथ धो और खाने के बाद हाथ धो, और साफ खाना खाओ, फ्रेश खाओ, और अलग अलग तरह के जो आपको वेजिटेबल फ्रूट से एनर्जी मिलती है और जो आपकी बोन्स, हड्डियों, इन सबको मजबूत करते हैं, मसल्स बनाते हैं, उनको खाना चाहिए, और अपना टाइमिंग फिक्स करो। एंड देन नेक्स्ट, रोल ऑफ द वाटर, रोल क्या है हमारी डाइट में, रोल ऑफ द वाटर इन द आवर डाइट, रोल ऑफ वाटर इन आवर डाइट, हमारी डाइट में वाटर का क्या रोल है? सबसे पहले जो वाटर है वो हमें डाइजेस्ट, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, जो सबसे मेन है हमारा। बिकॉज अगर खाना आपने खा लिया, सुबह का खाना आपने खा लिया, मान लो आपने चीज खा लिया ज्यादा, जो चीज है वो ऑब्वियसली फैट है, उससे हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है कि अगर वो मान लो आपके पेट में गया है और वो चीज मतलब ज्यादा ही जो बेकार चीजें होती है ना, उसे पेट भी ठीक से गला नहीं पाता, फिर वो पेट में रह जाता, फिर दर्द, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जो वाटर है, वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ओनली डाइट में नहीं, हमारी लाइफ में। तो वाटर हमें ज्यादा क्वांटिटी में पीनी चाहिए, वाटर हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी ठीक से उस फूड को खत्म करने के लिए, जो उस फूड में से हमें हमारे ब्लड में मिलना है वो ब्लड में मिल जाएगा, जहां वेस्ट जाना है वो वेस्ट में चला जाएगा। सेकेंड है, वी शुड ड्रिंक 8-10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे,
इसमें है कि हमें एवरी डे कम से कम 8 और 10 ग्लास वाटर पीना ही चाहिए. मतलब कि अगर कोई बच्चा है वो हर रोज, हमें हर रोज काउंट नहीं कर सकता कि अभी मैंने 1 ग्लास पिया है, अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर से 1 ग्लास पीऊंगा, फिर से मैं 1 ग्लास पीऊंगा, मेरे 3 ग्लास हो गए, ऐसे नहीं. सबसे अच्छा है कि आप अपने मॉर्निंग में, जब आप उठते हो मॉर्निंग में, आप 1 या 2 लीटर, वैसे तो आपको 2 या 1.5 लीटर की ही बॉटल लेनी है, 1 लीटर की नहीं लेनी है, 1.5 लीटर की वॉटर ले लो, 1.5 लीटर की वॉटर बॉटल में पानी भर लो. अब ये कोशिश करो कि पूरे दिन में बस ये बॉटल हमें खत्म करना है, तो हमारा 10 ग्लास या 8 ग्लास कंप्लीट हो जाएगा. ओके यस मैम. ओके मैम. कंपोनेंट ऑफ वॉटर, मतलब जो मेन है हमारा वो वॉटर का रोल होता है हमारी लाइफ में. ठीक है, तो वॉटर हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव करता है. ओके यस मैम. अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि फ्रूट वेजिटेबल दाल और मिल्क बटर इन सब खाने से हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमें हमें मिलते हैं, बताओ मुझे यस और नो. यस मैम. गुड. ओके ओके उसको रीड करो रुपया. Plenty of water and fresh healthy food keeps with away distress and make you feel good. Okay. जी मैम. ये आपका प्लेंटी था. प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत तरह के वाटर ऑफ वाटर हेल्दी फूड. ठीक है ओके. अब आपको कौन सा वाला वर्ड नहीं आया था, क्या नाम है, रुकिया, डिजीज मतलब क्या होता है मैम, मैं बताऊं. रोगी. तो वाटर जो होता है इसमें बता रहा है, वाटर बहुत तरह के होते हैं और फ्रेश हेल्दी रखते हैं खाने को, कीप अवे. और ये मैंने क्या बताया था आप सभी को, diseases, क्या बताया था, diseases. और जो पानी ज्यादा पीता है ना, एक तो उसका पेट हमेशा साफ रहता है, दूसरी बात उसकी स्किन ग्लो करती है, तीसरी बात पानी पीने के बाद ना हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे ब्रेन में ना हमारे सही से हमारा जो ब्रेन होता है वो ज्यादातर पानी में होता है, तो पानी हम जितना पियेंगे ना हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होगा. ऐसा भी नहीं कि हद से ज्यादा पी लो, नहीं, मैक्सिमम लास्ट 2 लीटर पियो, लेकिन 1.5 लीटर तो हमें पीने में चाहिए एवरीडे. ओके अब हमारा आ गया टिक द करेक्ट. तो पहला है, पहला वाला नाम, दूसरा रुपया, फिर भारती. आप सभी का क्वेश्चन आपके सामने है. Cannot live without. Mam, food. Mera food hai. B. Mam, B healthy. B. Vegetable and fruit keep us healthy. Very good, healthy. Okay, we have. यहाँ पर क्या आएगा, 1, 3, 4, 2 मील्स इन ए डे. भारती मैम 3. ठीक है ओके. नेक्स्ट है हमारा इन द आफ्टरनून वी हैव, क्या आएगा यहाँ पर रुकैया, लंच. वाओ वेरी गुड गुड. ठीक है अब हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे हमें मिसिंग वर्ड भरने हैं,
तो यहाँ पे मैं आप सभी को दे देती हूँ, नीचे मैं देखू और है, ओके तो फोर है तो इनमें से ओके बिटिया फर्स्ट वाला आपका है, सेकंड वाला सोनम, थर्ड वाला भारती आपका। हाँ तो रुकिया बताओ यहाँ पे क्या लगा मैम, जब तक मैं बताऊं मॉर्निंग, नो रॉन्ग, नो सोनम मैम मैं बताऊं एनिमल्स, गुड भारती मैम कहूँ मैम कम फ्रॉम काउ बफेलो एंड गॉट गॉड्स, मतलब कम का मतलब आना होता है, फ्रॉम मतलब वहां से, काउ क्या देती है मैं, बफेलो क्या देती है, बफेलो आपको पता होना चाहिए मैम, मिल्क मैम मिल्क, ये ठीक था लेकिन आपको पहले जवाब आना चाहिए था, आपने पहले मना कर दिया। ओके लास्ट है हमारा, वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग वेरी गुड। रुकिया आपका यहाँ पर आना था एनर्जी, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, वो हमें एनर्जी देती है खेलने के लिए और खाने, खेलने के लिए और काम करने के लिए। यस तो हमारा गया टिक द करेक्ट, तो टिक द करेक्ट में ओके हम कल क्लास नहीं ली थी ना हमने, इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको वीडियो तो देखनी चाहिए थी ना जो ग्रुप में मैं भेजती हूँ आप सभी को। जी मैम वो नहीं देख पाई थी, कोई बात नहीं ठीक है। फर्स्ट वाला रुकिए आपका है, फूड बिल्डिंग आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, यस और नो? यस गुड ओके। शीप गॉट देन द हैन एंड फिश गिव अस मीट मैम, भारती मैम क्या था मैम, पिक शीप गॉट हैन एंड फिश गिव अस मीट मैम, राइट इज दैट टेकन द लास्ट मैम, फॉल्स फॉल्स ओके लास्ट वाला दे भारती बताओ, वी टेक डिनर इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून वी टेक डिनर इन द आफ्टरनून मैम, राइट नो रॉन्ग है मैम, रॉन्ग रॉन्ग हां ओके। नाउ देयर इज क्वेश्चन आंसर, Why should we eat food? Why यानी क्यों, should यानी होना, मतलब ये होना ही चाहिए। We eat food, हम क्यों हम खाना क्यों खाते हैं? What kind of food should we eat? हमें कौन-कौन से food खाने चाहिए? Name three food that give us energy. तीन नाम food के जो हमें energy देते हैं। Different between vegetables and non-veg. Oh sorry, different definition. वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन, इनका डेफिनेशन चाहिए। और ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये वीडियो में मैंने इन सबके आंसर पहले ही दे दिए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करके लेके आना है और इसके आंसर आपको खुद ही निकालने हैं, या तो पहले वाली वीडियो देखो या तो आज वाली वीडियो देखो। ओके ओके मैम, मैम इसके नीचे जो लिखा हुआ है वन और टू, ये टिकल योर ब्रेन, ये भी करना है क्या? आप सबको करना है ठीक है भारती एंड रुकिया, ये आप लोग कर लेना, ये सब करना है, बस ये बस फोर करना है नीचे के। क्या भारती मैम, ये नीचे के फोर करना है बस? हाँ ये बस फोर करने हैं, यही आपके क्वेश्चन आंसर है, ये ओके मैम। मैम आंसर मी, ये नीचे वाले भी करने क्या? अगर